Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Manoj Srivastav. Hope you all are fine. So before starting about program instruction, हम इसका थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं एग्जैक्टली है क्या, क्यों लॉन्च हुआ. तो अगर हम बात करें तो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, और ये एक प्रकार की नई स्ट्रेटजी है इंस्ट्रक्शन की. हाईली इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है. इसमें कहीं ना कहीं बच्चों को हम ग्रुप में डिवाइड ना करके बच्चा जो होता है वो इंडिविजुअल एफर्ट करता है, उसके इंडिविजुअल लर्निंग पे हम फोकस कर सकते हैं. मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर देखने को मिलता है, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है. मैकेनिज्म ऑफ फीडबैक, इसमें बच्चे को काम करके तुरंत जो उसका फीडबैक है वो मिलता है, जिससे कि वो कहीं ना कहीं जो उसकी लर्निंग होती है वो एक तरीके से इनडेप्थ हो जाती है. क्योंकि काम करके अगर उसे रिजल्ट सही नहीं मिला तो फीडबैक तुरंत मिला, और तुरंत मिलने के बाद उसको वो कहीं ना कहीं चेंज करके चीजों को समझ सकता है. यूज टू मॉडिफिकेशन ऑफ टीचिंग बिहेवियर, और इसका जो मेन पर्पज है वो टीचिंग बिहेवियर में मॉडिफिकेशन परिवर्तन लाना है. तो दिस इज द मेन पर्पज ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन. अब आइए इसके बारे में और डिटेल जानते हैं. तो बात कर लेते हैं इसकी ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से इसका विकास हुआ. तो इट्स अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. ये टेक्नोलॉजी का पार्ट ना हो के मनोवैज्ञानिक काम करता है, मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान का पार्ट है. बी एफ स्किनर की बुक थी 1954 में, जो कि थी साइंस ऑफ लर्निंग एंड आर्ट ऑफ टीचिंग. उसके माध्यम से ये उसपे उस बुक में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पे फोकस किया गया. फिजिकली प्रेजेंस ऑफ अ टीचर इज नॉट एसेंशियल. अगर बच्चों को पढ़ाना है, इफेक्टिव लर्निंग करनी है, उसके उसमें मॉडिफिकेशन बिहेवियरल चेंज लाना है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो शिक्षक है वो उसके सामने खड़ा ही हो या उसको हर समय इंस्ट्रक्ट करे. बहुत सी ऐसी चीज है जो कि इंस्ट्रक्शन के माध्यम से बच्चा खुद से स्वयं कर सकता है. यानी क्योंकि लर्निंग टेंडेंसी हम सारे ह्यूमन बींग में होती है, तो एक टीचर का हर होना जरूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम लर्निंग. वेरियस काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिक, मोटर एक्सपीरियंस आर प्रोवाइडेड टू द लर्नर. और साथ ही साथ जो ये आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, ये बच्चों को इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिकल एंड मोटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है. तो स्टूडेंट पीआई होता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है, ये कुछ प्रिंसिपल्स पे, सिद्धांतों पे चलता है. तो देयर आर सम फाइव प्रिंसिपल जो कि फॉलो करता है आपका पीआई. कहता है कि जो भी ये सिखा रहा है वो स्मॉल स्टेप्स पे सिखाता है. छात्रों को बहुत ज्यादा कंटेंट कभी ये नहीं सिखाता है, तो छोटे छोटे स्टेप्स पे सिखाता है. एक्टिव रिस्पॉन्डिंग होता है, और इसमें जो छात्र होता है जब तक वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो आगे बढ़ नहीं सकता. तो रिस्पॉन्स होना यानी कि एक्टिवली हियरिंग और एक्टिवली रिस्पॉन्स करना बच्चे के लिए जरूरी होता है. इमिडिएट कन्फर्मेशन अबाउट हिज रिस्पॉन्स कि उसका सही है या गलत है, फीडबैक उसे इमीडिएट मिलता है. सेल्फ पेसिंग का मतलब है बच्ची अपने गति से सीख सकता है, एक ही चीज को दोबारा पढ़ के या एक बार में पढ़ के उसको उससे आगे वो बढ़ सकता है. स्टूडेंट टेस्टिंग, और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से हम बच्चे की परीक्षण कर सकते हैं कि उसमें कितना पेशेंस है, किस हिसाब से सीख रहा है. सेम प्रोग्राम को जो कि सारे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बनाया गया है, उसको कौन सा बच्चा किस तरीके से, किस हिसाब से समझ के सीख रहा है, तो कहीं ना कहीं टेस्टिंग ऑफ स्टूडेंट इसके माध्यम से हम कर सकते थे. तो ये बेसिकली आज की जो वीडियो थी वो अबाउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्टेप्स हैं, जिसपे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. अभी हमने इसके बारे में जाना क्यों ये स्टार्ट हुआ और कैसे ये ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से डिफरेंट है. तो स्टूडेंट मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ एंड फैमिली मेंबर्स.